तो पहली नजर में तो ये पहचानना मुश्किल है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी हमेशा से अपने चैलेंजिंग और यूनिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं। आज के दौर में वही गिने चुने एक्टर्स में बचे हैं जो अपने किरदारों के साथ बेहद ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटते। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जब भी ऐसा रोल करते हैं तो जनता सिनेमा में कुर्ता फाड़ कर चिल्लाई है, लेकिन इस बार जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पाका किया है उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों जनता लंबे समय से नवाज की फिल्म का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच उनकी फिल्म हड्डी का पोस्टर सामने आ गया। इस पोस्टर में नवाज गैम्बलर ससीना के अवतार में नजर आ रहे हैं। गेम्स ऑफ बासीपुर से लेकर बदलापुर, माझी फिल्म जैसी कई तमाम फिल्में इन्होंने की हैं, जिसमें नवाज ने इतने बढ़िया किरदार निभाए हैं कि उनकी इतनी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। नवाज जिस फिल्म में होते हैं उसमें लोगों की देखने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। अपने हर किरदार में नवाज अंदर तक घुस जाते हैं, लेकिन इस बार नवाज जो कर रहे हैं वो उनके दूसरे किरदारों से बिल्कुल भी अलग है। नवाज के इस पोस्टर ने फिल्म को देखने का एक्साइटमेंट लोगों के बीच बढ़ा दिया है। कोरोना काल में लोगों ने सबसे ज्यादा नवाज की ही फिल्में देखी हैं जो उन्हें बेहद ही पसंद आई हैं। एक वो समय था जब शाहरुख खान, सलमान खान ने नवाज के साथ काम किया था और उनकी वो फिल्में भी हिट हो रही थी, लेकिन जब से नवाज ने बॉलीवुड के खिलाफ थोड़े विरोधी स्वर किए हैं तब से कोई भी बड़ा एक्टर उनके साथ काम करने से कतरा रहा है। हालांकि आज भी नवाज को लेकर दर्शकों के बीच माहौल बना हुआ है। जब पूरा बॉलीवुड शांत पड़ा था नवाज ने सीना ठोक कर दी कश्मीर फाइल्स की तारीफ की थी। नवाज ने कहा था कि ऐसी फिल्म जरूर बनना चाहिए। फिलहाल तो नवाज अपने इस गेटअप में बहुत ही सॉलिड लग रहे हैं। उम्मीद है कि नवाज से इस तरह की उम्मीद लोगों के बीच जुड़ी है, वो उन उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वैसे दोस्तों नवाज के इस लुक के बारे में आप क्या कहना चाहोगे हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही न्यू अपडेट को सबसे पहले जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।